हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट नाइट का चौथा पार्ट। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो आप इसी चैनल पर बनाए गए ब्लैकेस्ट नाइट की प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्लैकेस्ट नाइट के हैशटैग का इस्तेमाल करके इससे पहले के और इसके बाद के आने वाले वीडियोज भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर जेसन और जेन अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर जेसन कहता है, मुझे अपनी कॉलेज स्टडी के बाद ये सब बातें करनी है। इस पर जेन नाराज हो जाती है और वो आगे बताता है कि जब हम दोनों फॉर्म होकर फायरस्टॉर्म बनते हैं तब मैं तुम्हारे सारे थॉट्स पढ़ सकता हूँ, तुम्हारे सारे थॉट्स जो कि मैरिज और फैमिली को लेकर है, और वो लगभग मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं उस वक्त। इस पर वो कहती है, अगर वो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं तो ये सही होगा कि हम दोनों मर्ज होके फायरस्टॉर्म अब कभी ना बने। लेकिन तभी उनके जेल के रिसीवर पर एक मैसेज आता है। दूसरी तरफ गौतम सिटी में ग्रीन लैंटर्न और बेरे एलन दोनों ही ब्लैक लैंटर्न जस्टिस लीग के मेंबर से लड़ रहे थे, जिसमें थे हॉकमैन, हॉकगर्ल, राल्फ, सू, फायरस्टॉर्म और मार्शियन मैनहंटर, और वो सभी लोग उनकी होप तोड़कर उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं पर वो उन्हें गुस्सा दिलाते हुए उनके हाथों से गलतियां करवाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बेरे एलन का ध्यान भटकाने के लिए हेलस्टॉर्म उससे कहता है, तुम कुछ कुछ प्रोफेसर स्टेन जैसे हो, तुम्हें लगभग उनके जैसे ही सब कुछ नॉलेज है और तुम उनके ही जैसे एक बोरिंग ड्यूड हो, तुम्हें भी उनकी तरह केमिकल्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। उनके ना होने से मेरे सिर में एक ब्लैंक होल तो हो चुका है, क्योंकि उनके सिवा वो सारी बातें करने वाला अब मेरे पास कोई नहीं रहा। और वो बैरे एलन को चकमा देकर पकड़ने जाता है। तब हम देखते हैं कि वो बैरे एलन नहीं बल्कि उसका ही एक प्रोजेक्शन था, और जब उसका हाथ उसके आर पार हो जाता है तब बैरे दूसरी तरफ से फायरस्टॉर्म का हाथ पकड़ कर कहता है, तो अब एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं फायरस्टॉर्म, क्या होगा अगर मैं ये रिंग तुम्हारे हाथ से निकाल दूं। और जब वो ऐसा करता है तब पहले तो फायरस्टॉर्म बहुत जोर से चिल्लाता है और बाद में वो रिंग अपने आप ही उसके उंगली पर जाकर फिट हो जाती है, जिस पर वो ग्रीन लैंटर्न को कहता है कि ब्लैक रिंग तुम्हारे वाले से अलग है, इसमें रूट्स है जैसे कि प्लांट्स में होते हैं। जैसे ही मैंने इसे फायरस्टॉर्म की उंगली से उखाड़ा वो वापस जाकर वहीं पर फिट हो गई, हमें ये कैसे भी करके रोकना होगा, तुम्हारे पास कोई आइडिया है। इस पर ग्रीन लैंटर्न जवाब देता है, जो कि दूसरी तरफ हॉकमैन से लड़ रहा था, वो कहता है, इस वक्त तो मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। दूसरी तरफ एटम हॉकमैन की रिंग से अपना साइज बढ़ा करके निकलते हुए हॉकमैन को एक पंच मारता है, और तभी इसी बात का फायदा उठाकर ग्रीन लैंटर्न एक बड़ी सी मेस के साथ हॉकमैन को वहीं पर बेहोश कर देता है। और वो एटम से पूछता है, रे तुम यहाँ पर कहाँ से आए। जिस पर वो कहता है, मैं फोन लाइन पर से कार्टर के उस रिंग के ऊपर कूद चुका था और मैं श्रिंक डाउन होकर वहाँ पर उसे इंस्पेक्ट कर रहा था। तब वो बताता है, ये रिंग तुम्हारे जैसे तो नहीं है लेकिन इसके कुछ स्ट्रक्चर्स तुम्हारे जैसे है, इसके स्ट्रक्चर्स कुछ बोन और डार्क मैटर जैसे है। मैंने आज तक ऐसी स्केलेटल एनाटॉमी कभी कहीं नहीं देखी, और ये लेस है माइक्रोस्कोपिक वार्म होल्स के साथ जो कि चैनल करते हैं किसी तरह की एनर्जी, किस तरफ और किसके लिए ये नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि इस चीज ने पहले कार्टर और कैनरा के साथ क्या किया जिस वजह से वो ऐसे बन गए, और मुझे यकीन है कि वो फिर से नॉर्मल नहीं होंगे। दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के हेडक्वार्टर में फायरस्टॉर्म, जो कि जेसन और जेन मर्ज होकर बने थे, वो वहां पर आ चुके थे ये देखने के लिए कि आखिरकार वो सिग्नल किसने भेजा था। और जैसे ही वो आगे जाते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि वो सिग्नल कोड एक्वामैन का था, जिस पर जेसन कहती है, लेकिन एक्वामैन तो मर चुका है। जिस पर वो आगे इंस्पेक्ट करने जाते हैं और तब वो वहाँ के मॉनिटर पर देखते हैं कि सब तरफ सभी विलन्स और सभी हीरोज अब ब्लैक लैंटर्न बन चुके थे। और वो देखते हैं मैनहट्टन, गौतम सिटी, आयरन हाइट्स, मॉस्को, स्मॉल विले, सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन डीसी। और तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और तब वो देखते हैं कि वहाँ पर एक्वा वुमन आकर उनसे लड़ रही थी, जिस पर वो पूछती है कि तुम कौन हो। एक फायरस्टॉर्म को मैं जानती हूँ, वो भी ब्लैक लैंटर्न बन चुका है। इस पर वो अपनी असली पहचान बताता है, जिस पर जेन उसे बात करने लगती है, जिस हेलस्टॉर्म की वो बात कर रही है उसे अभी भी हम दोनों ने स्क्रीन पर देखा है। इस पर वो जेन से कहता है, क्या तुम अपनी आवाज कम कर सकती हो। जिस पर एक्वा वुमन उससे पूछती है, तुम्हारे साथ कंबाइन में कौन है। जिस पर वो बताने लगता है, लेकिन इससे पहले फायरस्टॉर्म कुछ बता पाता उससे पहले ही मेरा उसे बताती है कि डरने की जरूरत नहीं है, उससे कहो कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और वो बताने लगती है कि एक्वामैन ने अटलांटियंस और उस पर हमला कैसे किया, साथ ही साथ गार्थ भी उसकी चपेट में आ चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं गौतम सिटी में कि फायरस्टॉर्म ने उन सबको रोकने के लिए वहाँ की हवा गन पाउडर में तब्दील कर दी थी। और यहाँ पर बैरे एलन, एटम और
ग्रीन लैंटर्न वहां से भाग रहे थे ये जानने के लिए कि कहीं उन्हें कोई मदद मिल जाए, लेकिन फायरस्टॉर्म के एयर को गन पाउडर में तब्दील करने की वजह से और फ्लैश के रन करते वक्त जो स्पार्क निकलता है उस वजह से वहां पर एक धमाका हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर राल्फ यानी कि एलोंगेटेड मैन एटम और ग्रीन लैंटर्न को पकड़ लेता है और वो उससे कहता है, क्या बात है एटम, तुम मेरे आंखों में क्यों नहीं देख रहे, क्या तुम्हें डर लगता है? तभी वो नाम लेता है कंपैशन का। और आगे एलोंगेटेड मैन उससे कहता है, तुम्हारा जेन के बारे में क्या ख्याल है, वो एक टेरिबल पर्सन थी, उसने तुम्हें छोड़ दिया और मेरी वाइफ को भी मार दिया। इस पर वो बड़ा होकर कहता है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वो अपने नॉर्मल साइज में आते ही सो उस पर चढ़कर उसका दिल निकालने लगती है, लेकिन तभी वहां पर इंडिगो ट्राइब आ जाती है और वहां पर इंडिगो वन यानी कि उनकी लीडर वहां पर उन सभी को मारने लगती है। और ऐसा करने के लिए वो ग्रीन लैंटर्न की पावर और उसकी पावर मर्ज करती है, लेकिन वहां पर उनकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी और ग्रीन लैंटर्न की रिंग भी उनकी भाषा ट्रांसलेट करने में नाकामयाब साबित हो रही थी। और तभी इंडिगो वन उन्हें बचाने के लिए एटम, ग्रीन लैंटर्न और बैरी एलन को अपने साथ टेलीपोर्ट कर देती है जेएलए के हेडक्वार्टर में, यानी कि जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के हेडक्वार्टर में, जो अभी वॉशिंगटन डीसी में था। और वहां पर वो देखते हैं मेरा और फायरस्टॉर्म को, जहां पर फ्लैश को मेरा बताती है कि एक्वालैंड मारा जा चुका है और वो अब उन्हीं की तरह बन चुका है। और तभी एटम इस सब का दोष खुद को दे रहा था, तब इंडिगो वन कहती है, मैं तुम्हारी एम्पथी फील कर सकती हूँ और मैं तुम्हारे स्पेंड किए गए दिन जो कि सब एटॉमिक आइसोलेशन पर बेस्ड है वो भी देख सकती हूँ। तुमने कई सीक्रेट्स अनलॉक किए हैं यूनिवर्स के ताकि तुम अपने काइंड का कुछ भला कर सको। और तभी ग्रीन लैंटर्न को पता चलता है कि वो हमारी भाषा बोल सकती है। यहाँ पर इंडिगो वन के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उस ब्लैक लैंटर्न के बारे में ज्यादा जानता था। तब मेरा कहती है कि ये पर्पल लैंटर्न कौन है, इस पर वो कहती है, तुम हमें किस नाम से बुलाते हो ये ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे इंडिगो वन बुला सकती हो, मैं लीडर हूँ जिसे इंडिगो ट्राइब ने चुना है। जिस पर फ्लैश कहता है, अगर तुम्हें पता है तो बताओ कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जिस पर वो कहती है, अगर शुरुआत करनी है तो शुरू से करते है। तब वो बताती है कि सबसे पहले सिर्फ इस यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस थी और तब आई लाइट, व्हाइट लाइट जो कि क्रिएशन की थी। 7000 सालों बाद उस व्हाइट लाइट ने क्रिएशन करना शुरू कर दिया, लेकिन हमेशा की तरह ही डार्कनेस और व्हाइट लाइट में फाइट शुरू हो गई, जैसे कि अच्छाई और बुराई में होती है। और इसी की वजह से 7 ट्राइब्स एग्जिस्ट में आई जो कि कलर पर बेस्ड थी, अपने इमोशनल स्पेक्ट्रम की तरह। रेड कलर जो कि एंगर को शो करता था, ऑरेंज जो कि ग्रीडनेस को शो करता था, येलो जो कि टेरर को, और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प जो कि येलो लैंटर्न कॉर्प की दुश्मन और उनकी एनिमी थी वो विल पावर को शो करती थी। ब्लू होप के लिए जाने जाते थे और स्टार सफायर्स लव और सेडक्शन के लिए जाने जाते थे, और हमारी कॉप यानी कि इंडिगो वो जानी जाती है कंपेशन और मर्सी के लिए। और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि हम सबको मिलकर इस डार्कनेस के अगेंस्ट फाइट करनी होगी और हमें एक साथ होकर सारी कॉप्स को एक करना होगा और इस ब्लैक लैंटर्न कॉप से लड़ना होगा। और ये सब सुनकर जेन जो कि अब मर्ज हो चुकी थी जेसन से, वो कहती है, इसका मतलब कि सारे डेड इन्वेडर्स कॉप्स के होम वर्ल्ड्स पर अटैक करेंगे और वो अर्थ को भी कब्जे में ले लेंगे। जिस पर इंडिगो वन कहती है, ये तो सही है, लेकिन अगर तुम इन्वेडर्स की बात कर रही हो तो यहाँ पर ब्लैक लैंटर्न इन्वेडर्स नहीं बल्कि हम इन्वेडर्स है और हमें उन्हें ये सब करने से रोकना होगा। और तभी सभी लोग इस नतीजे पर पहुंच रहे थे, वो रिंग्स सारे डेड्स को लाइफ में वापस ले आती है। वो किसी तरह का सिम्युलेटर प्रोग्राम है जो कि किसी को भी लाइफ में वापस लाने के लिए पावर का इस्तेमाल करती है। वो किसी तरह का एडवांस्ड ऑर्गेनिक कंप्यूटर है जो कि उस बॉडी के सारे मेमोरीज डाउनलोड करके उन्हें उसी जैसा एक सिम्युलेटर प्रोग्राम प्रोवाइड करती है और हम पर हमला करने के लिए उन्हें प्रोवाइड करती है। और इन सभी के साथ वो बहस कर ही रहे थे तभी इंडिगो वन कहती है कि हमें जाकर हर एक कॉर्प के टीम लीडर से जाकर मिलना होगा और उन्हें अपने साथ मिलाकर इस ब्लैक लैंटर्न कॉर्प को हराना होगा। और वो उसी वक्त कैरोल फेरिस का नाम लेती है, जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है, कैरोल अब उसका क्या काम है? जिस पर वो कहती है कि वो फिर से स्टार सफायर बन चुकी है और वो अभी जैमारॉन में है। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें सबसे पहले जैमारॉन पर जाना चाहिए, लेकिन बैरी उसे समझाता है कि अगर ये लैंटर्न्स की प्रॉब्लम है तो हम में सिर्फ तुम एक ही हो जो कि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, और अगर तुम ही चले गए तो हमें लीड कौन करेगा, हमें रास्ता कौन दिखाएगा? जिस पर वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम एलन स्कॉट को या फिर किसी और को ढूंढ लो जो कि इसके बारे में जानता हो। जिस पर वो कहता है,
तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ ओवा पर अभी भी काइल, जॉन या फिर कोई और बचा होगा? तुम्हें लगता है कि तुम ये सब ठीक कर पाओगे अकेले? और वो इसी बीच उसके फादर का एग्जाम्पल लेता है, जिस पर वो कहता है, बेरी तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, यहीं पर रुक जाओ। इस पर वो कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, हमें ये सब साथ मिलकर करना होगा। तुम्हारे पास पावरिंग है तो सिर्फ तुम अपने बारे में सोचोगे। तुम्हें ये लैंटर्न रिंग इसीलिए मिली थी क्योंकि तुम अपने फियर के ऊपर और अपने सारे इमोशंस के ऊपर काबू कर पाए। याद रखो, ये पावर रिंग ग्रीन, येलो, एक्वा ब्लू या कोई भी हो, वो अपने अपने अरेना को बिलोंग करती है। और तुम्हारा अरेना ये है कि तुम विल पावर से बने हो, तुम किसी से डरते नहीं हो, और जैसा कि तुम अभी सोच रहे हो उससे किसी का भी भला नहीं हो सकता। और वो कहता है कि मैं भले ही फास्टेस्ट मैन अलाइव हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा हर जगह लेट ही पहुँचता हूँ, और इस वजह से मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और ये सब समझने के लिए मुझे काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। मैं नहीं चाहता कि तुम भी ऐसे ही कोई कीमत चुकाओ। और ये सब सुनकर ग्रीन लैंटर्न वहीं पर रुक जाता है, लेकिन तभी ब्लैक लैंटर्न जस्टिस लीग वहां पर आकर उन पर हमला कर देती है, और वहां पर आकर फायरस्टॉर्म वहां की वॉल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदल देता है। और ये देखते ही दूसरा फायरस्टॉर्म यानी कि जेसन और जेन वहां पर स्नो ले आते हैं, और ये देखते ही ब्लैक लैंटर्न फायरस्टॉर्म जेन और जेसन पर हमला कर देता है। और वो कहता है, बताओ जेसन, तुम्हारे साथ अभी कौन है? प्रोफेसर तो हो गए नहीं, या फिर फायरहॉक? तो देखते हैं कि तुम्हारे साथ कौन है। और तब वो फायरस्टॉर्म को अलग कर देता है, यानी कि जेसन और जेन को। और जेन को पकड़कर वो कहता है, तो इस डॉल को तुम अपने साथ क्यों रखते हो? और उसे बचाने के लिए जेसन अब फायरस्टॉर्म के साथ मर्ज हो चुका था। और तब वो फायरस्टॉर्म को कंट्रोल करके जेन को वहां से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फायरस्टॉर्म उस पर जवाब देता है, ये कोशिश भी मत करना बच्चे, क्योंकि अभी मैं जिस मेंटल कंडीशन में हूँ उसमें तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुम अभी लव, रेज और फियर से भरे हुए हो, लेकिन मैं अभी भी स्टेबल हूँ। और वो कहता है कि तुम काफी होशियार हो, फिर तुम्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तुम अकेले ही इस सबको संभाल सकते हो, तो मुझे ये बताओ कि टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? इस पर वो कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और मैं तुम्हें इसे मारने भी नहीं दूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों की माइंड कनेक्टेड होने की वजह से फायरस्टॉर्म ये जान लेता है कि वो फॉर्मूला NaCl था, और वो उसे टेबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेता है और हाथ डालकर उसका हार्ट निकाल लेता है। इसी के साथ जेन वहां पर मर जाती है, और उसके हार्ट की वजह से पावर लेवल बढ़ चुका था, लेकिन ये पावर लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिस पर वो कहता है, तुम तो एक बैटरी की तरह हो जो कि कभी खत्म नहीं होती, और ये अभी भी हमारे लिए काम कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते है कि वहां पर जो मॉर्च थी, यानी कि जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के हेडक्वार्टर में सुपर विलन्स की मॉर्च रखी हुई थी, वहां पर वो रिंग्स आ जाती है और एक एक करके सारे सुपर विलन्स को लाइफ में ले आती है। और तब हम देखते हैं कि वहां पर सारे सुपर विलन्स जाग चुके थे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो इस वीडियो के लिए तो भी मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।